नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग जारी है। बैठक में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। मीटिंग में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के कांग्रेस प्रेसिडेंट समेत कुल 84 सदस्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और बैठक के बाद आज शाम 6 बजे हैदराबाद में एक बड़ी रैली होगी, जिसमें सोनिया गांधी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से 6 गारंटी का ऐलान करेंगी। और इस मीटिंग को लेकर ज्यादा अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर रहे हैं हैदराबाद। रवि, बैठक का दौर जो है यहाँ पर लगातार चल रहा है, सभी मेंबर्स मौजूद हैं। प्रदेश से भी बात की जाए तो मुख्यमंत्री मौजूद हैं, सचिन पायलट वहां पर है, पीसीसी चीफ। फिलहाल बैठक को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए कल जो बैठक हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिसमें और साथ साथ जो सीडब्ल्यूसी के परमानेंट मेंबर्स हैं वो मौजूद थे। आज एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी है, इसमें जो है लगभग 84 मेंबर्स के आसपास हैं एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी में, और साथ साथ सारे स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट प्लस सीएलपी लीडर्स और साथ साथ सीएम, तो कुल मिलाजुला के 150 के आसपास मेंबरान हैं। और कल जो बैठक हुई है उसकी जानकारी दी जाएगी, क्या क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्रियों ने कई कई अलग अलग सुझाव दिए हैं। अशोक गहलोत का अलग सुझाव है, अशोक गहलोत का कहना है कि हमें काउंटर करना पड़ेगा बीजेपी की स्ट्रेटजी, चाहे तो ईडी सीबीआई का मसला हो, चाहे कोई और मसला, उस पर आगे बढ़ के आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, पूरे गठबंधन के साथ मजबूती से लड़ना पड़ेगा। सचिन पायलट ने भी मुद्दा उठाया, सचिन पायलट ने कहा कि हमको सबको साथ लेकर चलना है लड़ाई को, हाजिर भी मतलब जवाब, एक भी सवाल है उसका जवाब नहीं जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पूरा जवाब देना पड़ेगा, इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज माना जाए कि जो कल फैसला हुआ होगा, कल जो बातें हुई, जो प्रस्ताव पास हुआ, उसकी जानकारी दी जाएगी, और साथ साथ आज भी जो सदस्य शामिल होंगे उनके सुझाव लिए जाएंगे, क्योंकि देखिए लोकसभा खाली विधानसभा चुनाव नहीं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी उसके 3 महीने बाद होंगे, तो कुल मिला जुलाकर विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव और प्लस लोकसभा के लेकर एक फीडबैक भी लिया जाएगा राज्यों का, और साथ साथ एक फाइनल प्रस्ताव भी पास हो सकता है इस बैठक के बाद, जो कि लगभग 2:30 बजे खत्म होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेता बता भी सकते हैं, जिस तरह से कल बताया था, हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने लाइन लिया, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, प्रधानमंत्री को घेरना है और यह बताना है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम सारे बड़े मुद्दे हैं, सनातन धर्म जैसा जो विवादित मुद्दा है उससे बचना है। ये तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने और कई नेताओं ने कल सलाह दी है कि इस मुद्दे से बचिए, सनातन धर्म के मुद्दे में अगर आप फंसेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि तेलंगाना में हो रहा है, यहां भी विधानसभा चुनाव होना है और यहां उस तरह से तैयारी की जा रही है कि तेलंगाना में जिस तरह अगर पार्टी के वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज करने का मौका मिला, तेलंगाना कांग्रेस के लोग इससे एक्टिव होंगे, साथ साथ तेलंगाना में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ने भी यहां छोड़ा नहीं अपनी जमीन को, क्योंकि कभी एक जमाने में कांग्रेस का राज था इस इलाके में, पूरे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश डिवीजन कांग्रेस पार्टी ने कराया, तेलंगाना बनाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिला। तो अब यह समय है कि उस क्रेडिट को भुनाने का, कि हमने तेलंगाना बनाया है और हम ये काम कर सकते हैं, इनकंबेंसी यहां की सरकार के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल के मुद्दे, सेंट्रल लेवल के मुद्दे और साथ साथ जो और मुद्दे हैं जिनसे बचना है, चाहे जिस पर आगे बढ़ना है, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, जिन जिन मुद्दों से बचना है, क्योंकि खासतौर पर लगातार जो बयानबाजियां सामने आ रही थी सनातन को लेकर और जिस तरीके से और अगर कहें रणनीति बनाने को लेकर, तो ये भी बात कही जा रही थी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, इसको लेकर क्या सुझाव दिए गए? जिन जिन मुद्दों से बचना है उस पर तो बातचीत हुई होगी, लेकिन किन किन मुद्दों को साथ में लेकर चलना है, जनता तक उन बातों को पहुंचाना है, उसको लेकर किस तरीके से अलग अलग राज्यों में रणनीति तैयार की गई होगी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये राहुल गांधी ने ये मीटिंग में कहा है कि हमें इनके एजेंडे में नहीं फंसना है, हमें अपना एजेंडा, यानी जो कांग्रेस पार्टी का वोटर रहा है, गरीब वोटर, उस पर फोकस करना है, गरीब बिना किसी कास्ट को देखे हुए, कोई जाति का गरीब नहीं कि इस जाति के गरीब है, इस जाति के अमीर है, हर जाति के जो गरीब लोग हैं उनको फोकस करते हुए अपना प्रोग्राम बनाना है, अपनी पॉलिसीज बनानी है और उसी हिसाब से जनता के बीच जाना है। तो गरीबों को लेकर चलना है, महंगाई को लेकर बात करनी है, बेरोजगारी एक, यानी
अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है हिंदुस्तान में आज के डेट में, तो नौजवानों को लेकर चलना है, किसानों को लेकर चलना है, किसानों की बात करना है, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खेलेगी। मोदी पर के खिलाफ खाली नहीं लड़ाई लड़ना है, मोदी को मुद्दों के सहारे हराने की कोशिश करनी है, ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है। बिल्कुल रवि, इसके साथ ही तेलंगाना की बात की जाए तो शाम को एक रैली भी होने जा रही है, विशाल रैली का आयोजन होने जा रहा है जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद होंगे, और तेलंगाना को लेकर जो 6 यहां पर ऐलान होने जा रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। वो 6 क्या एजेंडे जो है तेलंगाना की जनता को कांग्रेस की तरफ से मिलने जा रहे हैं? देखिए, जो गारंटी का जो स्कीम है कांग्रेस पार्टी का, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है कर्नाटक में, हिमाचल में। इसके पहले अगर बात की 2018 में भी कई सारे कमिटमेंट्स किए थे कांग्रेस पार्टी ने, चाहे किसानों के कर्जा माफी की बात हो, चाहे तमाम और बातें थी, लेकिन उसको गारंटी का नाम नहीं दिया गया था। अब गारंटी का नाम हिमाचल और कर्नाटक चुनाव से दिया जा रहा है, और उसमें चुनाव में सफलता मिल रही है कि आप समय से पहले घोषणा पत्र नहीं जारी करना है, घोषणा पत्र के अलावा से पहले ही आपको 5 ऐसी 6 गारंटी देनी है जो जनता से जुड़ी हुई गारंटी हो। जैसे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यहाँ पे आपको महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है, किसानों की समस्या यहाँ भी है, किसानों को लेकर यहाँ बड़ा ऐलान किया जा सकता है, करप्शन यहाँ बड़ा इशू है तो करप्शन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो तमाम सारी बातें हैं, 5-6 देखिए, नौजवान, किसान, महिला, प्लस तमाम और बातें जो ग्राउंड पे काम करने वाली बात है। मैंने कहा जैसे बिजली माफी की बात आजकल कॉमन हो गई है, कर्ज माफी की बात किसान कर्ज माफी की बात कांग्रेस करती है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाएगी। और सोनिया गांधी के नाम से, सोनिया गांधी चूंकि इस बात का ऐलान करेंगे कि ये हमारी 6 कमिटमेंट है, 6 गारंटी है, तो उसका असर होगा ये मानते हैं लोग, और कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ही तेलंगाना को बनाया है, तो इसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। और सोनिया गांधी अगर इस बात का कमिटमेंट करती है तो शायद जनता में असर हो, और जो एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि गारंटी उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, फायदा और फायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। बात की जाए अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में भी प्रॉपर गारंटी कार्ड जो है वो लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं, तो उसका बहुत ज्यादा क्रेज भी देखने को मिला है, जनता तक वो बातें भी पहुंची है। अच्छा, इसके अलावा रवि आपसे बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो शाम को प्रवासियों से मिलने जा रहे राजस्थान के, उनसे वो 2030 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे, तो वो किस तरीके से संवाद खास रहने वाला है? देखिए, ये भी एक तरीका होता है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ की आबादी वहाँ है, मान लीजिए राजस्थान के बहुत सारे अच्छी खासी आबादी हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में रहती है, तो अगर राजस्थान को के पॉलिसी की तारीफ हो रही है, अशोक गहलोत की तारीफ हो रही है उनके तमाम स्कीम की वजह से, तो उस बात की चर्चा वहाँ की जाएगी। देखिए, हमने अपने स्टेट में करके दिखाया है, हमने अगर हेल्थ स्कीम जिसको मॉडल स्कीम कहा जा रहा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है आपके स्कीम की, तो उस स्कीम की चर्चा बताएंगे हमने कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है, हमने हेल्थ में आपके लिए काम किया है, गैस 500 रुपये सिलेंडर जो दिया है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दिया है, तो तमाम सारी बातें जो वहाँ की है वो एक लुभाने का तरीका होता है। जो नॉर्थ इंडियन वोटर्स हैं, खासतौर पर मराठी वोटर्स भी यहाँ रहते हैं, राजस्थान के वोटर्स रहते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के यहाँ लोग वोटर रहते हैं, तो राजस्थान के खासतौर पर जो वोटर हैं उनके बीच में जाना, उनसे बातचीत करना, उनको कन्विंस करना कि आप कांग्रेस के साथ जाइए, कांग्रेस ही आपका भला कर सकती है, कांग्रेस ही आपके लिए काम आ सकती है, तो इस तरह की बातें इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़े नेता होते हैं जिनका अच्छी इमेज होती है, जिनके स्कीम की चर्चा होती है, चिरंजीव स्कीम जैसी स्कीम की चर्चा हो रही है, तो उसके माध्यम से आप लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं। इस वजह से अशोक गहलोत अपने प्रवासी जो लोग हैं राजस्थान के, उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। ठीक है, ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।